हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहां पे हम करते हैं कोडेड बार्ड्स को डीकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है यूनिक पोएट का मेरो देश बीरामी, प्रोड्यूस बाय रिवर्ब डस्ट। सो लेट्स गेट इनटू दिस मैन। और भाई, मेरो देश बीरामी, मेरो का मतलब मेरे, देश का मतलब देश, बीरामी का मतलब मुझे नहीं पता, तो वी विल चेक दिस सॉन्ग आउट, हम इसका मतलब पता लगा लेंगे, ठीक है। तो भाई चलते हैं सीधा वीडियो में। 1, 2 and 3 लेट्स गो। दिस वन्स डेडिकेटेड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, फॉर माय नेशन, फॉर माय मदर। लेट्स गो। सो इट्स नॉट, इट्स ऑल अबाउट कंट्री, आई थिंक। ओके, सो बीरामी का मतलब इज सिक, बीमार, बीरामी बीमार, सिमिलर लग रहा है। तो माय कंट्री इज सिक, सो दैट्स व्हाट। मेरे देश बीरामी, तोर पाले छूए लगी एक दिन हम। मेरे देश बीरामी, मेरे देश बीरामी, ये मेरे देश बीरामी, तोर पाले छूए लगी एक दिन हम। माथी बाटो हेते सोई दोर को आत्मा, सोती ले सोना पिन भविष्य छोई नो हाथमा, जून दो लास बने छू मरी मरी बांसा, पानामा क्रांतिकारी गाना होइनो गाइस आत्रा, लेट नो तो लेखे दे को। So he said, martyrs are watching from us heaven. जो शहीद हो चुके हैं वो लोग हमें ऊपर से देख रहे हैं, और cursed fate, हमारी किस्मत खराब है, पर और हमारे भविष्य में भी कुछ भी नहीं, मतलब हमारा भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं है। एंड jotting रिवॉल्यूशनरी lines, नॉट फॉर मेरे एंटरटेनमेंट, जो मैं लिखता हूँ, जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो एंटरटेनमेंट purpose के लिए नहीं है ब्रो। जोटिंग मतलब कि किसी चीज को डिस्क्राइब करके लिखना। ओ, एक और लाइन थी बीच में, एंड दैट वाज हैवी दो। अब आई हैव बिकम एन अलाइव कॉर्प्स, बेयरली हैंगिंग ऑन टू लाइफ। आई हैव बिकम अलाइव कॉर्प्स, लाइक जिंदा लाश बन चुका हूं मैं। आई एम तो एंड बेयरली हैंगिंग ऑन टू माई लाइफ, जो अपने जिंदगी के भरोसे, मतलब लाइफ के भरोसे अटका हुआ है। एंड ऑल्सो जिंदा लाश, लाइक एक जब तुम जब फांसी लटकती है तो गले में लटक जाते हैं, तो वो हैंग हो जाते हैं। एंड ही सेड के ही इज कंपेयरिंग लाइफ विद अ रोप। ओके, सो ही सेड के हैंगिंग ऑन टू लाइफ, एंड दो जो फांसी लगते हैं तो वो हैंगिंग ऑन रोप होता है। रुको, क्या बोला भाई अभी? ओके, सो भाई देखो, सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है यार, तुम बस कर क्या सकते हो, तुम बस अपनी लाइफ जी सकते हो, तुम ट्राई करते रहो, रोज उठो सुबह, ट्राई करो, गिरोगे फिर ट्राई करो, फिर गिरोगे फिर ट्राई करो, फिर एक दिन आएगा कि तुम नहीं गिरोगे यार, तुम सक्सेस मिल जाए। एंड डोंट केयर अबाउट जो फल क्या मिलेगा, मंजिल क्या होगी, जस्ट डू योर थिंग यार, सिंपल। एंड ही सेड के सिंस द लॉ डजंट फेवर द ट्रूथ, कि जो जो भी रूल्स हैं ये सब वो सच्चाई का वो नहीं करते। बट आई डू हैव माई राइट टू एक्सप्रेस, तुम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड हिप हॉप इज ऑल व्हाट अबाउट, कि भाई हिप हॉप देखो इसी चीज के लिए है कि तुम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जो भी सोसाइटी में चल रहा है, या तुम कभी तुम एक तरीके का आईना ही कह सकते हो, इंसान है मैं हूँ, मैं अपना आईना, मैं अगर खुद को बता दूँ तो इट्स काइंड ऑफ आईना, मैं अपना अपने ही बारे में बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो इट्स काइंड ऑफ मेरी लाइफ में जो चल रहा है, इट्स काइंड ऑफ आईना।
सोसाइटी के बारे में बता रहे हो, जो भी बता रहे हो सोसाइटी को ही सोसाइटी के बारे में बता रहे हो, इट्स काइंड ऑफ आईना. तो इट्स सिमिलर यार, हिप हॉप इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ और एनीथिंग एक्सप्रेसिंग, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, एक वॉइस देना. It, that's what hip hop is about. What I told, he said similar bro. Hip hop means the mirror of society. Hip hop means voice of change, badlav ki awaaz hai hip hop. Be courageous, we shall change our nation by tomorrow. Aaj nahi to kal zarur change hoga. मैले गर्न सकिनँ अथवा देश यस्तो छ अथवा मेरो समाज यस्तो छ अथवा मेरो आमाबाउले दिएनन् अथवा मेरो स्कुल यस्तो छ अथवा मैले सक्दिनँ भन्नुभन्दा पनि एकचोटि प्रयास गरेर बसेका पहिला बुझ्नु भने विदेश गएरै मात्र पनि जिन्दगी बन्दैन होइन. खासमा त यहाँ गर्न सक्ने जति त हामीले सायद दुनियाँमा कहीँ पनि गर्न सक्दैनौँ. रुको, बहुत ही बड़ी बात बोली है अभी जस्ट यामा. आई थिंक द क्लिप इटसेल्फ सेट कि ये जो बातें हैं बोली गई हैं ये यामा बुद्धा बोल रहा है कहीं इंटरव्यू में या फिर किसी चीज़ में किसी जगह पे. सो बेसिकली ही सेट के भाई तुम लोगों को पता ही होगा यार, फिर भी मैं ही सेड के भाई जो भी तुम्हारी कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स तुम लोग क्या करते हैं कि छोड़ के चले जाते हैं कंट्री, बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत है यहाँ पे वो दिक्कत है और वो छोड़ के कंट्री चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, बाहर रहने लग जाते हैं. ब्रो तुम इसको ठीक भी तो कर सकते हो ना, चेंज भी तो कर सकते हो, चेंजेस भी तो ला सकते हो. सो दैट्स व्हाट ही सेड के तुम जहाँ पे हो, तुम जहाँ पे जन्मे हो वहाँ पे रह के तुम कुछ करोगे तभी कुछ फ़ायदा होगा. तुम ये तो वही हो गए ना, तुम प्रॉब्लम्स से भाग रहे हो. सो दैट्स व्हाट ही सेड मैन. भाई बहुत कुछ बोल दिया है. रुको भाई एक मिनट, मैं बता दूं पहले, अगर तुम्हें नॉइज़ आ रही होगी भाई तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी यार, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, परेशान कर दिया भाई, वो टाइल काटने वाली मशीन चला रहे हैं, कभी ठोक रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, परेशान कर दिया भाई. मेरे को अपना म्यूज़िक रिकॉर्ड करना था आज, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ पता नहीं. सो भाई उसको इग्नोर करना, मेरी आवाज़ सुनो यार, मेरी सुरीली आवाज़ सुनो. माना सुरीली ने बात भाई, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना और पीछे नॉइज़ पे मत ध्यान देना यार. वो अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, परेशान कर दिया, घर बना रहे हैं भाई, इतनी ठंड में कौन काम करता है यार. रुको भाई, यहाँ पे यूनिक पोइट ने बहुत सारी बातें बोल दी, लाइक अबाउट करप्शन, अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक सरकार में क्या क्या चल रहा है,
रुको अभी हम सुनेंगे ब्रो, रियल शिट मेक नो मनी। जो भी तुम करते हो, अगर तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ करनी है ना, रियल चीज़, या किसी सोसाइटी के लिए कुछ कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कुछ भी रियल शिट, रियल टॉक कर रहे हो, मतलब कुछ भी, तो वो तुम्हें पैसा नहीं देगी भाई। एंड जे कोल इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस। जे कोल यही करता है भाई। जे कोल कभी भी उसने लाइक ही ऑलवेज मेक म्यूजिक टू इंस्पायर पीपल। ही सेड अ लॉट ऑफ टाइम ब्रो, वो ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ था बस वो, बट वो गया ही नहीं। उसे नहीं चाहिए भाई ये सब, बट लोग उसे इतना प्यार करते हैं ना। बट ही डिजर्व अ लॉट मोर भाई। अगर तुम बात करोगे टैलेंट की, तो ही डिजर्व अ लॉट मोर। बस बस कमी वो रह गई कि बस वो अपना काम कर रहा है, उसको जो पसंद है वो कर रहा है, वो लोगों को इंस्पायर करना चाहता है, एंड ही इज डूइंग इट। इंस्पायर्ड मी अ लॉट, एंड ही सेड कि आई एम जस्ट अ रैपर, आई एम फीडिंग माई टमी ब्रो। मैं बस अपना पेट भर रहा हूँ, मैं एक रैपर हूँ, इट्स ऑल्सो अ जॉब। मैं अपनी चीज़ें बताता हूँ, मैं सोसाइटी को आईना दिखाता हूँ, मेरा काम ये है करना। तुम जैसे कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, वैसे ही मेरा भी ये काम है। मैं अपना पेट भरता हूँ उस चीज़ से, एंड बस ये है कि चार लोग मुझे जानते हैं। भाई ये जो लास्ट में बोला, मुझे जरूर इसका मतलब बताना, मतलब चाहिए मुझे भाई इसका कमेंट्स में, क्योंकि जो भी बोला है बहुत ही ज्यादा बड़ी बात बोली गई है, एंड इट्स लाइक अ पोएम। मैंने देखा हर चीज़ राइम हो रही थी, इट्स लाइक अ पोएम, छोटी सी कोई पोएम वोएम है किसी ने लिखी है। ये पता नहीं यूनिक पोइट की आवाज़ थी, बट यूनिक पोइट की आवाज़ नहीं लग रही थी, वो किसी और की आवाज़ लग रही थी। तो मेरे को जिसने भी लिखा है ये मेरे को ज़रूर बताना यार, आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ दैट पोएम। एंड जो जो प्रॉब्लम्स इस गाने में बताई गई है ना ब्रो, वो प्रॉब्लम्स हर कंट्री में है, इंडिया में भी है। इट्स नॉट अ सॉन्ग फॉर नेपाल पीपल ओनली, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड भाई, सबके लिए है ये गाना। बट इट्स आई पर्टिकुलरली अगर मैं गाने में हाईलाइट करूँ, मेरे को दो जगह बहुत ही ज़्यादा हिट किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जब ही टॉक्ड अबाउट जो रूल है हिप हॉप, जो हिप हॉप इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी का मिरर, एंड हिप हॉप इज़ ऑल अबाउट वॉइस ऑफ चेंज, एंड ही सेड कि आई एम ऑल्सो अ रैपर, जस्ट आई एम फीडिंग माई टमी ब्रो। मैं अपना बस जस्ट पेट भरता हूँ रैप करके, एंड दैट्स वॉट ऑल अबाउट। रियल शिट तुम्हें पैसा नहीं देगा। अगर मैं चाहूँ कॉमर्शियल म्यूजिक मैं भी बना सकता हूँ, मुझे पैसे मिल जाएंगे ब्रो, लेकिन मुझे नहीं करना। बट
कोई बुराई नहीं है ब्रो कमर्शियल म्यूजिक में, ब्रो कोई बुराई नहीं है, बट बस अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना एक एम होता है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना. सो दैट्स व्हाट. एंड एक जो बहुत ही अच्छी बात यामाबुद्धा मैंने कही, एंड कंफर्म कर देना कि वो यामाबुद्धा की ही बातें थी, मुझे 100% श्योर हूँ, बट फिर भी एक कन्फर्मेशन चाहिए. तो वो यामाबुद्धा ने जो बातें बोली, इट्स टोटली ट्रू मैन, कि कंट्री छोड़ के चले जाते हैं लोग, कंट्री छोड़ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यहाँ पे रह के चेंज करो तो ही चीज़ें सॉल्व होगी. सो दैट्स इट मैन. आई लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मैन. जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दो यार. आई विल अपलोड माई फ्री वर्ड्स अगेन. पिछले भी फ्री वर्ड्स पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बट कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे ब्रो. इट्स ऑल अबाउट द मैराथन कंटिन्यूज. TMC, निप्सी हसल, रेस्ट इन पीस. सो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं डाल दूंगा 500 सब्सक्राइबर पे फ्री वर्ड्स डाल दूंगा, तुम बस कर दो भाई सब्सक्राइब. एंड अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट कंस्ट्रक्शन बाहर चल रही है तो उसको इग्नोर करना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, बाय बाय एंड सी यू.